नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं नेशन भारत। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लोग डरे सहमे हुए हैं। जिस तरह से मधुबनी में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या होली के दिन कर दी जाती है, तो आप देख सकते हैं ये बड़ी नरसंहार हुई है। क्योंकि बिहार में कई नेताओं का बयान भी आया था कि बिहार में लंबे टाइम से नरसंहार बंद था, लेकिन फिर से नरसंहार देखने को मिला। तो मधुबनी जैसे घटना को आप नरसंहार कह सकते हैं कि क्योंकि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में राजद नेत्री जो रितु जायसवाल वहां पहुंची है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मृतक के जो परिजन है वो फूट फूट कर रो रहे हैं, और रितु जायसवाल से लिपट कर उनकी जो बेटियां हैं वो रो रही हैं, लड़कियां रो रही हैं। और ये दिल दहलाने वाली घटना है, क्योंकि जिस तरह से होली के दिन एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद कई आज तेजस्वी यादव भी मधुबनी के लिए निकल चुके हैं, सुबह में ही निकले हुए हैं और वहां पहुंचेंगे। लेकिन रितु जायसवाल वहां पहुंचकर वहां तक उनके जो मृतक के जो परिजन है, उनकी लड़की है, जो बाकी सदस्य है, उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने का एक मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ कि किस तरह से उनके एक एक परिवार के लोग फूट फूट कर रो रहे हैं, रितु जायसवाल से सारी पीड़ा कह रहे हैं, और रितु जायसवाल से लिपट लिपट कर सभी लड़कियां रो रही है। तस्वीर बयां करता है कि कितनी बड़ी घटना है, मधुबनी जैसे शहर में बड़ी नरसंहार देखने को मिला। आप तस्वीर देखिए कि रितु जायसवाल के साथ में किस तरह से उनके परिजन बात कर रहे हैं और रो रहे हैं। गोली चलाने के बाद तलवार से काटा है, बच्चे बचाने की कोशिश, एक एक व्यक्ति को किसी को भी 8 से कम गोलियां नहीं लगी हैं। 8 लगी है, 9 लगी है, 10 लगी है, 12 गोलियां लगी है, 15 गोली लगी है। पापा को 15 गोलियां तब काट दिया गया इनको, पापा को तो पूरा धज्जा कर दिया, पेट में मारा गोली से अलग, माथा तक मार के पकड़ के फेंक दिया खेत में। बोलो ऐसा था, पुलिस लोग कुछ नहीं बोला था, घर से वो लोग बोला था ठीक है कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। हम लोग हम पैर तक पकड़े, अकेले हम किसकी, सब पुलिस को बोले अंकल कुछ तो करिए, कम से कम गाड़ी में तो बिठाइए, कुछ बैठा नहीं रहा था और ना ही किसी के तरफ देख रहा था, सब साइड में होकर के तमाशा देख रहा था। बोलो कम से कम बीच में आकर के भीड़ भी हटाते, कुछ नहीं कर रहे थे। बोलो इतना तकलीफ से मरे, कोई अपने बाप को तकलीफ से इतना मरते हुए देख के कैसे रह सकता है, बताइए ना। हम लोग आपके सामने अपने पापा को देखे मरते हुए, बाप सब कुछ होता है इंसान के लिए, बाप ही नहीं है, हम सब मार दिए, ऐसे मारे, इतना तकलीफ से मारे थे मेरे पापा को। बॉर्डर में मरते तो ये हो रहा था कि मेरे पापा बॉर्डर में मर, आज तक बॉर्डर में कोई एक भी खरोच भी नहीं आया मेरे पापा को, लेकिन यहाँ पे मार दिए सब, इतना काटे से सफर भी गला काटते जा रहे थे, दौड़े सब तो भागा, ये काट दिए, यहाँ पे गोली मारे थे, यहाँ पे मारे थे, ये चीर दिए थे, ये फाड़ दिए थे, टपर भी गला काटने जा रहे थे। हम लोग को देखा, हम लोग उसको काट पापा को काटते हैं, हम लोग भी काटे हुए देखा अपने पापा को, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। के देखा वाला सुनो, कोई देखा तो नहीं आएंगे ना, क्या करेंगे, चलो किसी को कुछ होश ही नहीं है, कौन खिलाए क्या पूछे क्या करे। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।